हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स पर, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसआर क्लॉक फ्लिप फ्लॉप बाय नॉर गेट। इससे पहले हम एसआर क्लॉक फ्लिप फ्लॉप को नैंड गेट से पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस पर्टिकुलर वीडियो को नहीं देखा है और आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई सजेस्ट इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, ताकि इस पर्टिकुलर वीडियो को समझना आसान हो जाए। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कई सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में दी है और कुछ इनिशियल डिस्क्रिप्शन इस डिटेल्ड ट्रुथ टेबल को डिजाइन करने के लिए दिया है। ये वैल्यूज बेसिकली कहां से आ रही हैं, ये उस पर्टिकुलर वीडियो से आपको देखने से इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अपनी डिजाइन की तरफ। नॉर गेट से जब हम डिजाइन करते हैं तो कुछ सर्टेन चेंजेस इसमें हमको देखने वाले हैं डिजाइनिंग में। आप देख सकते हैं यहां पर हमने दो एंड गेट को इंट्रोड्यूस किया है, जबकि जब हम नैंड गेट से इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन किया था तो चारों के चारों हमारे नैंड गेट लगे थे, यानी ऑल फोर गेट्स वर नैंड गेट। बट अभी इसमें हम देखें तो शुरुआत वाले जो दो गेट है वो एंड गेट लगने वाले हैं एंड सक्सीडेड बाय टू नॉर गेट्स। ठीक है, एक चेंज आप यहां पर और देख सकते हैं एस और आर का। एस पहले वाले नैंड गेट में ऊपर लिखा गया था, आर नीचे लिखा गया था। अब इस केस में बेसिकली हम आर को ऊपर कर दे रहे हैं, एस को नीचे कर दे रहे हैं। किसी किसी बुक में या टेक्स्ट बुक में या कहीं आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप S और R को ऊपर ही रखना चाहते हैं, देन यू विल बी स्वैपिंग दीज वैल्यूज। यानी अगर S अगर आप ऊपर ही रखेंगे तो ऊपर वाला जो आउटपुट है ये आपका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ट्रीट किया जाएगा इस नॉर गेट के लिए, और अगर आप R नीचे रखते हैं तो नीचे आ जाएगा आपका पॉजिटिव आउटपुट। बट क्योंकि हम यहां पर इसी तरह के फैशन से फेमिलियर हैं, हमने हमेशा पहले वाले ऊपर वाले आउटपुट को अपना पॉजिटिव आउटपुट ही ट्रीट किया है, यानी काम का आउटपुट ट्रीट किया है, तो हम यहां पर इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देते हैं। आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, आपका डिजाइन बेसिकली गलत नहीं होने वाला है, और आपके उस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन का इस ट्रुथ टेबल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है कि जो भी चेंज अगर आप या तो यहां करेंगे या तो यहां पर वैल्यूज को स्वैप करेंगे। ठीक है, इजी करने के लिए मैंने यहां पर वैल्यूज को स्वैप किया है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि दो एंड गेट लगे हैं, दो नॉर गेट लगे हैं। थोड़ा सा एंड गेट को और नॉर गेट को रिवाइज करते हैं। एंड गेट क्योंकि प्रोडक्ट कहा जाता है, तो कोई सा भी जीरो अगर इनपुट में होगा तो सारे के सारे आउटपुट बेसिकली आपके जीरो हो जाने वाले हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि किसी भी इनपुट में अगर जीरो मिल रहा है तो आपके आउटपुट जीरो हो जाएंगे, और अगर सारे के सारे आउटपुट आपके वन है, सारे के सारे इनपुट माफ कीजिएगा वन है, तो आपके आउटपुट वन हो जाएंगे। ठीक है, नॉर गेट में देखें तो नॉर गेट में बेसिकली और गेट का ये जस्ट अपोजिट होता है। और गेट बेसिकली क्या करता है कि इफ देयर इज एनी वन इन द इनपुट देन द आउटपुट विल बी वन। ठीक है, कोई सा भी अगर एक भी इनपुट वन होगा तो उसका आउटपुट वन हो जाएगा। नॉर गेट क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो यानी कोई सा भी वन अगर इनपुट में होगा तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो आप देखिए, कोई सा भी वन अगर इनपुट में है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, और अगर सारे के सारे इनपुट हमारे पास जीरो है तो आउटपुट वन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रुथ टेबल्स को बेसिकली मेन अपना बेस मानते हुए, इनको अपना इनपुट मानते हुए हम यहां पर अपने आउटपुट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन, व्हेन एस इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल्स टू जीरो, तो एस इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल्स टू जीरो, एंड गेट में कोई सा भी इनपुट अगर जीरो हो तो आउटपुट जीरो बन जाता है। तो यहां पर भी जीरो हुआ और इस जीरो की वजह से यहां पर भी जीरो। तो यानी अब अगली इन दोनों कंडीशन के लिए जीरो जीरो ही इनपुट इस नॉर गेट के कॉम्बिनेशन को मिलने वाला है। ठीक है, आ जाते हैं इस पहली वाली कंडीशन में, बात करते हैं क्यूटी जीरो क्यूटी बार वन। तो यानी हमारे वाले यूजर को यहां से जीरो मिला होगा और यहां पर वन मिला होगा। ठीक है, जैसा कि हमने नैंड गेट में भी देखा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से फेमिलियर नहीं है, पहले वाली वीडियो को देखिए ताकि आप इस वीडियो को बहुत आसानी से समझ पाए। ठीक है, ये वैल्यूज कहां से आई है उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। ठीक है, तो आ जाते हैं इस वैल्यू पर। अब क्योंकि हम नॉर गेट में काम कर रहे हैं, नैंड गेट में जब हमने बेसिकली वर्क किया था, यानी नैंड गेट से इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन किया था, तो हमने वन को बेस मानते हुए स्टार्टिंग की थी, क्योंकि किसी ना किसी एक सर्किट को पहले चलाना जरूरी है ताकि दूसरा गेट इजिली चल पाए। ठीक है, तो नैंड गेट में जब हम वर्क कर रहे थे तो हमने वन को बेस माना था, नॉर गेट में जब हम काम कर रहे हैं तो हम जीरो को बेस मानेंगे और जीरो से ही स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने इस सर्किट के एग्जीक्यूशन की। तो इस जीरो से बेस मानते हुए जीरो जीरो, यानी ये वाला इनपुट जाएगा यहां पर जीरो जीरो एंड दैट बिकम्स वन। तो क्यूटी प्लस वन बार में मिला हमको वन। ठीक है, और अब ये वाला वन, ना कि ये वाला वन, ये वाला वन जाएगा इनपुट ऊपर की तरफ। इस वाले वन की कोई रिलेवेंस नहीं है, तो आप चाहे तो इसको यहां पर हटा भी सकते हैं।
फर्दर आने वाली कैलकुलेशंस में, क्योंकि हम जीरो को ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानने वाले हैं, तो किसी भी तरह के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम केवल जीरो को ही लिखेंगे, चाहे वो यहां लिखा जाए चाहे वो यहां लिखा जाए, क्योंकि उसी को बेस मानने वाले हैं। और फिर जो आउटपुट आएगा उसको बेस मानते हुए हम नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को कैरी करेंगे आगे, ठीक। तो ये वाला वन जो आया है, वन एंड जीरो बेसिकली बिकम्स जीरो, वन एंड जीरो बिकम्स जीरो। तो QT प्लस वन की वैल्यू आ गई है जीरो। अब चेक करिए क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए एज पर द डेफिनेशन। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट है, तो इनवैलिड तो है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे चलने में आप देखिए S और R की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, केवल वैल्यूज बदलेंगी ये वाली, ठीक है। अब QT बार में हम जीरो को लिख रहे हैं, हमने बोला है कि वन को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन को यहां पर हम अवॉइड करेंगे, तो जीरो को ही सिर्फ लिखा जाएगा, ठीक है। तो QT बार में मिला होगा जीरो, मैं इस कंडीशन को हटा देता हूं पहली वाली को। कुछ कंडीशन ऐसी रही होगी कि आपके पहले वाले यूजर को यहां से जीरो मिला होगा, इस जीरो को बेस मानते हुए जब रन किया गया होगा, जीरो जीरो बिकम्स वन एंड वन जीरो बिकम्स जीरो, ठीक है। तो QT प्लस वन में आउटपुट मिला वन, QT प्लस वन बार में आउटपुट मिला जीरो। ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम इन टेबल के बेसिस पर कर रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या ये इनवैलिड आउटपुट है? जी नहीं, इनवैलिड नहीं है, क्योंकि दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट को हम बाद में एनालिसिस करेंगे पहले की तरह, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हमने देख ली हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट। नाउ वैल्यूज आर चेंज इनटू द एसआर। नाउ एस इक्वल्स टू जीरो, आर इक्वल्स टू वन। तो एस की वैल्यू तो जीरो ही नहीं, आर की वैल्यू को वन कर दिया गया। जब आर की वैल्यू को वन कर दिया, नाउ इनपुट फॉर दिस गेट इज वन वन, तो वन वन इन एंड गेट बिकम्स वन, ठीक है। तो ये आपको मिलने वाला है अगले दो कंडीशन के लिए, ठीक। इन वैल्यूज को हटा देते हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर प्रोडक्ट। अब फिर से वही कंडीशन, QT में जब रहा होगा जीरो, तो यहां पर जीरो मानते हैं, वन को लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस जीरो को बेस मानते हुए स्टार्ट करते हैं इस सर्किट को रन करना, जीरो जीरो इन नॉर गेट बिकम्स वन एंड दैट वन वन बिकम्स जीरो। तो QT प्लस वन में मिला जीरो एंड QT प्लस वन बार में मिला वन। चेक करिए क्या ये इनवैलिड है? नहीं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है जो कि होने चाहिए, इनवैलिड तो है नहीं। आगे चलते हैं, ये वाली कंडीशन को हमने देख लिया है, नेक्स्ट कंडीशन इसको हटा देते हैं। अब QT बार में जब जीरो रख के देखते हैं, QT बार में जब जीरो रखा तो इस जीरो से स्टार्ट किया, जीरो वन जीरो वन इन बेसिक इन 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 दिस पर्टिकुलर नॉर गेट जीरो वन बेसिकली बिकम्स जीरो एंड दैट जीरो जीरो बिकम्स वन, जीरो जीरो बिकम्स वन, ठीक है। तो QT प्लस वन बार में मिला वन, QT प्लस वन में मिला जीरो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमने ऑब्जर्व कर लिए। नाउ द वैल्यूज इज बीन स्वैप्ड। अब जो वैल्यू R की थी वो S की हो गई है, जो वैल्यू S की थी वो R की हो गई है। नाउ S इक्वल टू वन, R इक्वल टू जीरो, यहां पर वैल्यू स्वैप कर दीजिए, S इक्वल टू वन, R इक्वल टू जीरो, इस वैल्यू को हटाइए, इन सबको हटा देते हैं। नाउ एनी जीरो इन एंड गेट बेसिकली बिकम्स जीरो, तो यहां पर जीरो हो गया। नाउ वन वन इन एंड गेट बिकम्स वन, ठीक है। यानी अब अगली इन दो कंडीशन के लिए ये वाली वैल्यू सेम रहने वाली है। आगे आ जाते हैं, पहले कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, QT में रख के देखते हैं जीरो, जब यहां पर जीरो मिला होगा, जीरो वन है ना, जीरो वन बेसिकली बिकम्स जीरो एंड दैट जीरो जीरो वंस, ठीक है। तो QT प्लस वन में मिला हमको वन एंड QT प्लस वन बार में मिला जीरो। चेक करिए वैलिड आउटपुट है? जी हां वैलिड है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू, इसके लिए ऑब्जर्व करते हैं, ये वाला जीरो कहां मिला होगा? QT बार में, तो यानी यहां पर रख के देखते हैं, जीरो जीरो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जीरो जीरो वन एंड दैट वन वन जीरो, ठीक है। तो QT प्लस वन में मिला वन, QT प्लस वन बार में मिला जीरो, ठीक है। चेक करिए वैलिड है? जी हां वैलिड है। आ जाते हैं लास्ट कंडीशन पे, जब हमारे पास S और R दोनों की वैल्यू वन वन हो गई होगी, तो S की वैल्यू भी वन है, R की वैल्यू भी वन है। जब वन वन इन दिस एंड गेट बिकम्स वन, वन वन इन दिस एंड गेट बिकम्स वन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, यानी अब ये वाली जो वन वन है ये इन दोनों कंडीशन के लिए रहने वाली है। पहली कंडीशन को देखते हैं, QT में मिला जीरो तो QT में रख दिया जीरो, यहां पर देखा जीरो वन है ना,
01 बेसिकली बिकम 0 एंड दैट 01 अगेन बिकम्स 0। चेक करिए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, इस 0 से स्टार्ट करते हैं, 010 एंड दैट 010 एज पर द टेबल। टेबल भी सही है, कैलकुलेशन भी ठीक है, 00 आ रहे हैं। इसको रख के देखिए, चेक करिए क्या ये वैलिड है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए, बट कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहे, मतलब इनवैलिड है पहले की तरह। जैसे कि हमारा नैंड गेट में यहां पर 11 आया था, यहां पर 00 आ रहा है, मतलब इनवैलिड है ना। यहां पर इनवैलिड ऑपरेशन आउटपुट दे रहा है ये, तो इसको इनवैलिड की कैटेगरी में हम डाल देंगे। चेक करते हैं दूसरी कंडीशन को, क्या पता ये कुछ सही आउटपुट दे दे, फिर हमारे लिए कुछ पजल क्रिएट हो। देखते हैं, अब क्यूटी में जब मिला होगा 0, तो इन सब वैल्यूज को हटा देते हैं जरा। क्यूटी में मिला होगा 0, तो इस 0 से स्टार्ट करते हैं, 01 फिर से 0, F01 अगेन 0, फिर से आपको 00 मिल रहा है। इन दोनों कंडीशंस पे इनवैलिड है, जी हाँ इनवैलिड है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो आउटपुट आपका इनवैलिड कैटेगरी में चला गया। आ जाते हैं बाकी रिजल्ट कैटेगरी में, कि रिजल्ट क्या क्या बनने वाले हैं, बाकी इन सब वैलिड आउटपुट्स के क्या क्या रिजल्ट होने वाले हैं। अब आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हम केवल इस आउटपुट को कंसिडर करेंगे, ये वाला आउटपुट जो है वो किसी और पर्पज के लिए जनरेट किया गया है। सिमिलरली जब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारे से पहले वाले यूजर ने भी इसको इग्नोर किया होगा और इसको कंसिडर किया होगा, यानी अपने लिए वैलिड इनपुट माना होगा। अब उसके आउटपुट से अपने वाले आउटपुट को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कंडीशंस, जब SR की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये भी एक मेजर रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो चेक करते हैं व्हेन S एंड R इक्वल्स टू 00, इन दोनों कंडीशंस में ऑब्जर्व करिए, व्हेन S एंड R बोथ आर 00, तो जो वैल्यू QT की थी वही वैल्यू QT प्लस 1 की है। देखिए आप, 0 था तो 0 मिला, 1 था तो 1 मिला, तो यानी S और R 00 होने पर बिल्कुल पहले जैसा ही आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रीवियस। ओके, मतलब प्रीवियस। आ जाते हैं दूसरे के लिए, क्योंकि हम इसमें काम कर रहे हैं तो केवल इनको ऑब्जर्व करेंगे, इस वाली वैल्यूज को, इन वाली वैल्यूज को देखें, तो ये दोनों जगह हमको 00 मिल रही है, भले ही पहले कुछ भी कंडीशन रही हो। ठीक है, इसका मतलब यहां पर प्रेजेंट इनपुट बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, पुराने वाले आउटपुट से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो प्रेजेंट इनपुट यानी व्हेन एस इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 1, तो हमेशा पहले कुछ भी कंडीशन रही हो, आपको QT प्लस 1 में, यानी अभी जो करंट आउटपुट है, वो दोनों में 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको देखिए, पहले कंडीशन कुछ भी नहीं हो, व्हेन S इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 0, तो आपको आउटपुट 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग लाइक जस्ट सिमिलर एज कि जो हमने NAND गेट से डिटेल ट्रुथ टेबल को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, आप इस पे मत जाइए, 1100 बात एक ही है, इनवैलिड है तो इनवैलिड ही लिखा जाएगा। तो अगर हम इसकी समराइज ट्रुथ टेबल बनाएं, तो SR की जो ट्रुथ टेबल है वो आप किसी भी गेट से ले लें, या तो NOR से ले लीजिए या NAND से ले लीजिए। अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि SR QT plus 1, है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या आउटपुट आने वाला है। इफ S एंड R बोथ आर 00, तो आपको प्रीवियस आउटपुट मिलेंगे। व्हेन दिस इज 01, तो आपको 0 आउटपुट मिलेगा। व्हेन दिस इज 10, तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। एंड विद दिस इज 11, तो आपको दोनों ही केसेस में, या तो आप नॉर से करिए या नेट से करिए, इनवैलिड ही आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो दिस इज दी समराइज्ड ट्रुथ टेबल एंड दिस इज दी डिटेल्ड ट्रुथ टेबल डिस्क्रिप्शन। तो आई होप कि आपको SR फ्लिप फ्लॉप दोनों गेट से बहुत इजीली समझ में आई है। ठीक है, अब हम अगली वाली वीडियोस में देखने वाले हैं कि JK फ्लिप फ्लॉप हम किस तरह से डिजाइन करते हैं थ्रू दी नैंड गेट, और फिर उसके बाद देखेंगे नॉर गेट के बारे में। आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।